गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी एक्सरसाइज नंबर थर्टीन पॉइंट फाइव का पार्ट नंबर टू बर्नौली ट्रायल्स का पार्ट नंबर टू आज करेंगे द द लास्ट लास्ट पार्ट पार्ट दिस विल बी खत्म कर देंगे आज कितने क्वेश्चन स्वस्थ हैं ठीक <coughs> है तो इन शॉर्ट अब टॉपिक तो समझ गए हैं

एन का जो भी वैल्यू है लेट्स से एन की वैल्यू है फोर तो आपको एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो भी एन की वैल्यू है सब पर प्रोबेबिलिटी निकालनी और एक टेबल बनानी है। इसका मतलब ये होता है ठीक है तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है आ, बी की बी के बाद क्या कह रहा है सिक्स यानी एन की वैल्यू सिक्स और ये क्या होता है स्मॉल पी की वैल्यू ये एन होता है और स्मॉल पी की वैल्यू होता है तो अब आपको शो करना है पहले तो ये टेबल बनानी है उसमें से x इक्वल टू थ्री ही मोस्ट लाइकली आउटकम है अब यहां से अगर n की वैल्यू सिक्स अगर n की वैल्यू सिक्स देखो बी एन पी है तो यहां से क्या क्या पता चला यहां से ये यह पता चला कि n की वैल्यू सिक्स और p की वैल्यू वन बाय टू और जैसे p की वैल्यू वन बाय टू पता चली तो q की वैल्यू कैसे पता चलेगी इसमें से वन में से, से माइनस करके सो so, क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी वन माइनस वन बाय टू दैट गिवस मी वन बाय टू देन यहाँ तक अब एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी नाउ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जीरो से स्टार्ट करते हैं मिनिमम और एंड तक लेके जाते हैं सिक्स तक लेके जानी पड़ेगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ये करना है आपको यानी कि एक टेबल बनानी है आपको सो बी सिक्स कॉमा हाफ इक्वल टू इक्वल टू एक टेबल बनेगी क्या बनेगी एक टेबल बी सिक्स हाफ की वैल्यू एक टेबल के बराबर होगी ये एक टेबल को डिनोट कराता है ये जो एक्सप्रेशन है किसको डिनोट कराता है एक टेबल को डिनोट कराता है जिसमें एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो ठीक है x की हर पॉसिबल वैल्यू की इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए यानी कि पिछले एक्सरसाइज में अपन करते थे ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x करो वो का वही इसमें करने वाले हैं बस पिछली बार तो x की वैल्यू uh, कुछ भी हो सकता नहीं पिछली बार p और q कुछ भी हो सकता था इस बार नहीं पिछली बार केवल बहुत सारे आउटकम्स भी हो सकते थे लेकिन इस बार प्योर की दो ही आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये बस ये फर्क होता है प्लस इंडिपेंडेंट भी होते हैं मतलब इस बार बर्नोली ट्रायल्स हैं पिछली बार बर्नोली ट्रायल्स नहीं कोई से भी ट्रायल्स हो सकते थे वो ठीक है सो एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और अब अलग अलग वैल्यू पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर आपको क्या प्रूव करना है कि थ्री पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकलेगी मोस्ट लाइकली आउटकम है सबसे ज्यादा इसके आने के चांसेस हैं लाइकलीवल टू थ्री सबसेवल टू थ्री पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो सबसे ज्यादा निकलेगी इससे 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 सबसे ज्यादा निकलेगी कैसे प्रूव करेंगे सबकी निकालेंगे और फिर देखेंगे थ्री की सबसे ज्यादा है या नहीं समझ गए स्टार्ट करें <coughs> निकालना आता है फॉर्मूला पता है आपको एक बार लिख देता हूं आज का पहला क्वेश्चन है तो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू बोलो याद है एन सी एक्स क्यू ऑफ क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स दिस इज द फॉर्मूला सो अब शुरू हो जाओ सो पी ऑफ स्टार्ट करते हैं जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो तो इट इज लाइक एन की वैल्यू क्या सिक्स तो सिक्स क्यू और पे दोनों हाफ हाफ में वैसे भी तो हाफ की पावर सिक्स माइनस जीरो और फिर हाफ की पावर सिक्स ठीक है ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स जीरो जीरो हम्म ठीक है और इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स सी जीरो ठीक है इंटू वन बाय टू की पावर सिक्स ही रह जाएगी बस ठीक है ना क्योंकि ये तो वन हो जाएगा ना अब एक बार देखते हैं आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ठीक है आगे चले एक्स इक्वल टू वन तो सिक्स सी वन वन बाय टू की पावर क्या हो जाएगी सिक्स माइनस वन दूसरे पावर वन अब हमने कल भी सीखा था कि अगर पी और क्यू दोनों बराबर होते हैं तो उसकी टोटल पावर हो जाती है कैसे भी कर लो इधर छह पावर इधर जीरो पावर है टोटल पावर छ हो गई ठीक है ना इधर पाँच पावर है और इधर एक पावर है तो मिलके अगेन छ पावर हो गई सिक्स सी वन वन बाय टू की पावर सिक्स हो गई अब सब में हो जाएगी क्योंकि सब में पी और क्यू तो सेम ही है तो बदलेगा क्या केवल बाइनोमियल को जीरो सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री हमको पता है सेंटर में सबसे ज्यादा होता है वो बढ़ता है फिर कम होता है तो देखो ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है या नहीं है है ना तो जब प्रोबेबिलिटी P और Q बराबर हो तो सारा दारोमदार C वाले पार्ट पे रह जाता है यानी बाइनोमियल को एफिशियंट पर रह जाता है वो बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी वो घटेगा तो प्रोबेबिलिटी घटेगी हाँ अगर ये दोनों कम ज्यादा है तब कुछ नहीं कह सकते तब किसी की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा आ सकती है किसी की भी कम आ सकती है क्लियर है तो अब मेरे को हिंट तो पता चली क्या होने वाला है अब मैं हिंट लेके सीधा ही करने वाला हूँ जानी है बस 6, C, 1, 6, C, ये चेंज होना है तो एक दो से पैटर्न पकड़ के और उसके बाद जब भी जैसे बहुत सारे निकलना जीरो वन को लगेगा कल दी क्वेश्चन जीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सब में निकालना है तो समझ जाएगा करो कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न बनेगा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए तो सिक्स सी थ्री वन बाय टू की पावर सिक्स एक्स इक्वल टू फोर में आ जाओ सिक्स की पावर सिक्स फिर आ जाओ एक्स इक्वल टू फाइव सिक्स वन बाय टू की पावर सिक्स फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक्स इक्वल टू सिक्स वन बाय टू की पावर सिक्स डन वी कैन क्लियरली सी वी कैन क्लियरली सी कि इसमें सिक्स थ्री की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है अब आपको याद होना चाहिए ये याद है सिक्स ही जीरो वन होता है तो वन इंटू वन बाय टू की पावर सिक्स हो गया फिर सिक्स ही वन सिक्स होता है वन बाय टू की पावर सिक्स फिर ये हो जाएगा फिफ्टीन याद है कि नहीं बताओ नहीं है बायनोमिकफिशंट्स फिर ये हो जाएगा थर्टी वन बाय टू की पावर सिक्स फिर वापस अब घटना शुरू कर देगा फिफ्टीन वन बाय टू की पावर सिक्स फिर वापस सिक्स वन बाय टू की पावर सिक्स और लास्ट में वन इंटू वन बाय टू की पावर सिक्स फाइनअल कोफ्यूजन सही लिखेंगे चेक करो ये सही लिखेंगे नहीं लिखेंगे सिक्सटी टू क्या होता है सिक्स फाइव या थर्टी थर्टी टी बाई टू सिक्सटी थ्री देखो सिक्स फाइव फोर और नीचे थ्री इंटू टू तो ट्वेंटी आएगा ना थर्टी नहीं आएगा गलत है फाइव फोर या ट्वेंटी बचाना फिर भी जाता ये ठीक है क्लियर बाकी तो सही है ही सही सो ये लिख इतना लिख देना इन सारी एंट्रीज को टेबल में भर लेना अब इसमें वन बाय टू की पावर सिक्स तो कांस्टेंट है आपको एक्चुअली थोड़ा निकालना है आपको तो बस ये करना है कि इनको वन बाय टू की पावर आपने को ये प्रूव करना है कि सबसे ज्यादा इसमें तो वन बाय टू की पावर सिक्स को सॉल्व करने की भी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं वैसे वन बाय की पावर सिक्स इतना बड़ा नंबर है भी नहीं वन बाय ही है तो है ना तो वन बाइटी फोर सिक्स बाय सिक्सटी फोर फिफ्टीन बाय सिक्स ट्वेंटी बाय सिक्सटी फोर फिफ्टीन बाय सिक्सटी फोर लिख दो चाहो तो वन बाय सिक्सटी फोर फिर सिक्स बाय सिक्सटी फोर फिर फिफ्टीन बाय सिक्सटी फोर, फिर ट्वेंटी बाय सिक्सटी फोर फिर अगेन फिफ्टीन बाय अब तो सेम आता जाएगा रिपीट होता जाएगा सिक्स बाय सिक्सटी फोर और लास्ट में वन में से, इन सब का सम सिक्सटी फोर होना चाहिए ठीक है तो वन प्लस सिक्स सेवन फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस फिफ्टीन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन और सिक्स सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री और वन सिक्सटी फोर सबका नहीं गया तो मैं लिख दूंगा हेयर फ्रॉम द गिवन हेयर फ्रॉम द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेबल That is, Kathy probability distribution table B of six comma half. It is clear that it is clear that P of X equal to three is maximum is maximum, right? Hence, hence probability uh, hence X equal to three is the most likely outcome. द मोस्ट लाइकली आउटकम तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे प्रूफ चीज कुछ भी नहीं, नहीं है थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद थ्री पॉसिबल आंसर एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन है देखो इसने हिंट भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री इज द मैक्सिमम ऑल मल्टीपल चोस एग्जाम की संभावना पहले भावुक मत हो जाना कि पी को हमने सही मान लिया और क्यू को हमने गलत मान लिया सक्सेस की डेफिनेशन उससे देखनी पड़ेगी सो व्हाट्स प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट फोर और मोर करेक्ट आंसर सो करेक्ट आंसर को हमको सक्सेस लेना है और उसको फेलियर लेना है ना में हमको फाइव uh, क्वेश्चन है विथ थ्री पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द फाइव क्वेश्चन अगर फाइव क्वेश्चन हैं तो एन की वैल्यू फाइव ओके okay? उसके बाद आ जाओ सक्सेस को हम डिफाइन करेंगे करेक्ट आंसर और फेलियर को हम डिफाइन कर देंगे इन करेक्ट आंसर ठीक है फ्रॉम हेयर ऑन अब सोच के बताना कि सक्सेस को हमने ऐसे डिफाइन किया और फेलियर को हमने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपन पी बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इसको क्यू बोलते हैं वो क्या होगा करेक्ट आंसर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि जब भी, भी अपन प्योर क्यों निकालते हैं अपन एक के बारे में सोचते हैं भाई जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया वो करेक्ट होना चाहिए करेक्ट आंसर करेक्टली लिखो तो ज्यादा बढ़िया करेक्टली जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ वो करेक्ट है इन करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट हाँ बताओ अब आप ये मत सोचना कि पांच क्वेश्चन से एक क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन का का आंसर मैंने दिया तो क्या संभावना है कि वो करेक्ट हो जाए क्या संभावना है कि वो इनकरेक्ट हो जाए बोलो <laughs> बोलो सिस्ट्री हाँ एक ही क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है अब मैंने उसका आंसर दिया आंसर दे दिया अब वो करेक्ट हो जाए इसकी क्या संभावना है बची हुई संभावना इन करेक्ट की हो जाएगी हाँ तो क्या संभावना है कि वो करेक्ट हो जाए मैंने आंसर देते ही वन बाय थ्री और इनकरेक्ट होने की आप क्यों नहीं पिक कर मैं क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन कैसा है एम सी क्यू उसमें ऑप्शन कितने हैं तीन तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तीन उसमें सही तो एक ही है तो मैं कोई भी तुक्का लगाऊंगा तो यह बताऊंगा जो भी बताऊंगा एक ही करेक्ट है ना वन बाय थ्री उस टोटल में, में मेरा फेवरेबल आउटकम एक ही है ना करेक्ट और दो जो है वो नॉट फेवरेबल है तो वन बाय थ्री हो जाएगा वो टू बाई थ्री और टू जाएगा टू बाई थ्री क्योंकि थ्री पॉसिबल है four possible answers होते तो क्या होता one by four, three by four. Five possible answers होते तो क्या होता है ठीक है चले यहाँ तक अब ऐसा करके पांच क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए पांच है ना ठीक है अब उसको चार या चार से ज्यादा करेक्ट आंसर चाहिए चार या चार से ज्यादा करेक्ट आंसर चाहिए दैट मीन उसको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ए कैंडिडेट नाउ द प्रोबेबिलिटी दट ए कैंडिडेट वुड गेट फोर और मोर करेक्ट आंसर्स विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू चार या चार से ज्यादा तो फोर और ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर फोर या फोर से ज्यादा तो अब टोटल है पांच तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती थी 0 1 2 3 4 5 अब चार या चार से ज्यादा में कौन से दो केसेस एड हो गए फोर और फाइव प्रोलिटी ऑफ एक्स बराबर फोर प्लस प्रोलिटी ऑफ एक्स बराबर वेरी इजी अब दो तो हमको कम से कम इतना तो काम करवाए गई और दो तो निकालने भी चाहिए ठीक है चलो फॉर्मूला लगा देते हैं फोर सी नहीं सॉरी फाइव सी फाइव सी, सी फोर क्यू क्यू यानी कि टू बाय थ्री की पावर तो हो जाएगी डिफरेंस वन और वन बाय थ्री की पावर हो जाएगी फोर प्लस फाइव सी फाइव टू बाई थ्री की पावर अब की बार जीरो वन बाय थ्री की पूरी की पूरी फाइव देन फाइव सी फोर इज फाइव टू टू की टू की पावर वन टू वन की पावर फोर टू की पावर वन ही रह जाएगी और थ्री की पावर वन इधर है चार इधर है और पांच हो जाएगी पूरी डिनोमिनेटर में पूरी पावर तो हमेशा होनी है P और Q कुछ भी हो और अगर P और Q बराबर हो तो न्यूमरेटर में बराबर पावर हो जानी है न्यूमरेटर में भी टोटल पावर हो जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन हुई थी ठीक है ये तो तो हो गया तो की पावर फाइव ठीक है अब वैसे थ्री की पावर फाइव इजी है चाहो तो लिख सकते हो लिखना भी चाहिए फाइव टू या टेन थ्री की पावर फाइव बताओ टू फोर्टी थ्री और वन डिवाइड बाय थ्री की पावर फाइव ए अगेन टू फोर्टी थ्री इलेवन बाय टू फोर्टी थ्री देखो आंसर वेरी इजी <laughs>

ठीक है पी की वैल्यू वन बाई हंड्रेड्स एटलीस्ट वंस पचास लॉटरी में से एक बार है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए पचास पचास में से कम से कम एक जीते हैं एक्जैक्टली exactly एक ही जीते हैं कम से कम दो जीते हैं ठीक है समझ आया चलो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करी हमने सबसे पहले तो नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स है पचास सो एन इक्वल टू पचास एन इक्वल टू पचास और जीतने के चांसेस साफ साफ गिवन है वहां से हारने के चांसेस वन में से माइनस करके निकाल लेंगे

ए पार्ट दे रखा है जो की वॉटलिटी द ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए अब इस पूरी बात को मैं क्या लिखूंगा एटलीस्ट वंस को दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो कम से कम एक क्या लिखेंगे एक्स हाँ अरे एक कम से कम एक बार तो जीते तो दो बार जीते तीन बार जीते पचास के पचास बार जीत जाए चलेगा लेकिन कम से कम एक बार तो जीतू मैं अब एक्स की वैल्यूज बताना जरा अगर एन पचास है तो फिफ्टी वन केसेस होंगे फोर्टी नाइन तक भी क्यों होगा फिफ्टी तक होगा ना जीरो से स्टार्ट होकर फिफ्टी पचास नहीं इक्यावन केसेस होंगे इससे एक केस ज्यादा होगा अब उसमें से एक या एक से ज्यादा यानी सारे लेना अप टू सारे लेने बैठेंगे क्या क्या करेंगे जो छूट गया वो देखो ना जीरो से लेकर पचास तक सारे केसेस हैं जिसमें जो वन से पचास तक आपको चाहिए तो छूटा तो केवल जीरो है तो केवल और केवल जीरो निकालेंगे ठीक है इसमें तो एलिमिनेशन मेथड अपनाना ही पड़ेगा नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे हम पूरे पचास निकालने बैठेंगे तो है ना इट्स लाइक वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ओके सो वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो का फॉर्मूला लगाइए तो फिफ्टी सी जीरो क्यू क्या था नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड की पावर हो जाएगी फिफ्टी और वन बाय हंड्रेड की पावर हो जाएगी क्या जीरो ठीक है सो इट इज लाइक वन माइनस वन वन माइनस फिफ्टी सी जीरो और नाइन की पावर फिफ्टी तो ऐसे ऐसी लिखनी पड़ेगी इवन हंड्रेड की पावर कितनी हो गई हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी हो गई पूरी ये तो पूरा वन हो गया ना नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड की पावर फिफ्टी हो गया ठीक है राइट So, <coughs> और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा so, answer is 1 -99 by 100 की पावर 50. पहले का सही है? B part देखो B part में क्या चाहिए उसको exactly once. तो नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल विन अ प्राइस एग्जैक्टली वंस इस बात को लिखेंगे x इक्वल टू एक्जैक्टली वन एक्जेक्टली वन की अभी अभी तो निकाल नहीं निकाली एक्जैक्टली वन की नहीं निकाली okay, अब निकालनी पड़ेगी अभी जीरो की निकाली थी हमने तो फिफ्टी सी वन अब क्या करूंगा मैं नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड की पावर तो फोर्टी नाइन एंड वन बाय हंड्रेड की पावर वन फिफ्टी सी वन इज फिफ्टी इन टू नाइन्टी नाइन की पावर हो गई फोर्टी नाइन और हंड्रेड की पावर हो गई फिफ्टी अब देखो हंड्रेड की पावर फिफ्टी इधर फिफ्टी है एक काम करो हंड्रेड की फिफ्टी पावर को एक को तो ऐसे लिखो और एक को फोर्टी नाइन को अलग करो समझे टोटल पचास पावर है ना

अब टू के केस में क्या चाहिए होगा वही ऐसा थोड़ा नहीं कि ए, टू थ्री फोर फाइव पूरा लेके जाएंगे क्या -क्या होगा? जीरो और वन दो लोग माइनस होंगे टू जीरो भी करो और वन भी नहीं चाहिए इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन भी माइनस करो अब वन माइनस टू जीरो हम निकाल के बैठे हैं क्या आया था ये वाला पार्ट था एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ वन अच्छा वन और जीरो दोनों ही मेरे पास है ये तो है वन और ये है जीरो तो जीरो वाला पार्ट ये था नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड की पावर फिफ्टी ये तो था जीरो वाला minus, x वाला माइनस क्या था जीरोक्वल तो जो भी हमने पहले निकाला है वो हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ठीक है फोर्टी नाइन इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें तो नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड की पावर फोर्टी नाइन कॉमन है दोनों में है ना वन माइनस नाइनटी नाइन इसमें फिफ्टी पावर है इसमें फोर्टी नाइन पावर तो छोटी पावर कॉमन आई आ जाएगी फोर्टी नाइन बचेगा क्या यहाँ एक पावर बच गई नाइनटी नाइन बाय हंड्रेड माइनस वहां तो सारा ही ले लिया नहीं by वहां वन बाय टू बच गया वहां मैं लिख सकता हूँ फिफ्टी बाय्रेड लिख सकता हूँ सो इट्स लाइक नाइन्टी नाइन में से फिफ्टी क्या फोर्टी नाइन तो वन माइनस फोर्टी नाइन बाय हंड्रेड ब्रैकेट में नाइन्टी नाइन बाय हंड्रेड की पावर फोर्टी नाइन कौन सा ये ये नाइनटीन फिफ्टी पहले मैंने वन माइनस क्या के पहले ये फॉर्डिटी लिखती बाद में ये लिखी क्योंकि वो पावर में है ना पावर में जो हमेशा लिखने का तरीका होता है मैथ्स में कुछ समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग हो रहा तो जो छोटी चीजें वो पहले उससे बड़ी चीजें बाद में उससे बड़ी जो सबसे बड़ी विशाल का चीज है उसको लास्ट में। तो इसको मैंने पहले बाद में लिखा इस प्रोडक्ट इस फैक्टर को नाइनटीन फोर्टी पहले लिखी है इसी फॉर्मेट में आंसर पीछे है समथिंग डिफरेंट ओके वन फोर्टी नाइन आएगा ना बेटा देखो माइनस का नाइनटी नाइन हंड्रेड किया है तो अंदर प्लस हो जाएगा अगर आप माइनस साइन इन दोनों का कॉमन ले रहे हो भाई एक में से ये भी माइनस करना है ये भी माइनस करना है कुल मिला के इन दोनों का सम ही तो माइनस करना है तो इन दोनों का सम ही तो माइनस होगा सो यहाँ पे 99 नाइन प्लस फिफ्टी करना था तो वन फोर्टी नाइन हो जाएगा अब ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे <laughs> हाँ वन क्या नहीं लिया ये एक्स इक्वल टू हाँ one क्यों नहीं लिया बेटा इसमें अपने को एक्स इक्वल टू जीरो माइनस करना था ना तो ये वन वन के अलावा एक्स इक्वल टू जीरो का केस तो यही है ना यही है यही है? है ओके तो एक्स इक्वल टू जीरो का केस एज इट इज उठा लिया मैंने और फिर एक्स इक्वल टू वन का केस भी उठा या तो ऐसे कर लो देखो वन में से एक्स इक्वल टू जीरो का केस तो यहां तक माइनस कर ही चुके थे इस, इस पॉइंट तक क्या हो चुका था कि सर वन में से एक्स इक्वल टू जीरो का केस तो माइनस हो ही चुका था इसी में से एक्स इक्वल टू वन का केस भी माइनस कर लो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन में क्या था जीरो वाला केस माइनस हो चुका था अब आपको एक 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 केस और एक्स्ट्रा माइनस करना है वो है एक्स इक्वल टू वन वाला तो यहाँ तक तो आप एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस तो माइनस कर ही चुके थे इसको और माइनस कर दो उसमें से तो क्या आएगा वही आएगा वन माइनस दिस ठीक है चले नेक्स्ट हम्म इलेवेंथ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव एक्जैक्टली

ठीक है अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसने दे दिया उसकी वजह से अब X क्या है दो बार आपको पांच लाना है तो रिपीट कितनी बार करना हो आपका फेवरेबल क्या है दो बार ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एक्स इक्वल टू टू दैट इज एन सी यानी सेवन सी टू क्यू यानी कि फाइव बाई सिक्स की पावर फाइव की पावर 2. 7 सी 2 होता है ट्वेंटी वन इंटू तो फाइव की पावर फाइव रह जाएगा यहाँ पे और सिक्स की तो पूरी पावर हो ही जानी है सात देखो फॉर्मेट में क्या आंसर ट्वेंटी वन काट दिया होगा मेरे हिसाब से हाँ, तो एक काम करते हैं देखो इसकी पावर फाइव है इसकी पावर सेवन है तो इसकी फाइव पावर तो नीचे लिख देते हैं और दो पावर इसको दे देते हैं 6 6, दो पावर सॉल्व दे दे कर देते हैं so, हो जाता है, 6 से काटेंगे मैच हुआ एटमोस्ट टू सिक्स इन सिक्स थ्रोस ऑफ सिंगल टाइर अब एक टाइम को छह बार उछाल रहे हैं बोलो एन की वैल्यू सिक्स एन की वैल्यू सिक्स और चाहिए क्या ना सिक्स आने की दो बार आने की ये एक्स की वैल्यू है ठीक है ना और वो भी एटमोस्ट ज्यादा है ज्यादा चलो एटमोस्ट टू को एक बार भूलो ये तो एक्स देगा आपने को सिक्स एक्स लाना है तो एक बार फेंकते हैं तो सिक्स आने की संभावना वन बाय सिक्स तो वही सेम टू सेम पी वन बाय सिक्स और क्यू फाइव बाय सिक्स

दो बार छिया तो ग्रेटर देन देन लेस इक्वल टू हो गया ज्यादा ज्यादा दो दो से कम चलेगा दो से ज्यादा नहीं चलेगा एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम और एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम ठीक है तो अब इसमें क्या क्या ऐड होगा मुझे बताओ जीरो वन टू और तीन तीन चीज ऐड करनी पड़ेगी एलिमिनेशन मेथड में जाएंगे तो फिर थ्री फोर फाइव सिक्स उधर केसेस ज्यादा है सात केसेस है जीरो फोर फाइव सिक्स आपको चाहिए फेवरेबल में तीन के जीरो वन टू और उसको हटा के अगर वन में से माइनस करूँ तो उधर उल्टा ज्यादा है तो उधर ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो तीन निकालना ही पड़ेगा एक्स इक्वल टू जीरो प्लस वन, प्लस वन एक्स इक्वल क्यू है फाइव बाय सिक्स की पावर सिक्स वन बाय सिक्स की पावर सीरो तो फिर आ जाओ सिक्स सी वन फाइव बाय सिक्स की पावर फाइव वन बाय सिक्स की पावर वन फिर सिक्स बायर फोर की पावर टू ठीक है ना अगर सीक्वेंस में चल रहा हो तो कुछ नहीं करना होता इधर इधर तो कम करते जाओ और उधर बढ़ाए जाओ और भी बढ़ाए जाओ जाओनुअल ठीक है चलिए आइए सॉल्व करते हैं सिक्स जीरो वन होता ही है फाइव बाय सिक्स की टोटल पावर 6 ही रह जाएगी वो तो वन हो जाएगा तो पावर सिक्स इन टू वन नेक्स्ट कैटेगरी फाइव बायस की पावर फाइव तो फाइव की पावर तो फाइव हो गई, six power total six हो गई. Denominator की पावर टोटल पावर हो ही जानी है ठीक है प्लस सिक्सटी टू क्या होता है सिक्स फाइव या थर्टी थर्टी डिट बान इंटू फाइव की पावर फोर ऊपर और सिक्स की पावर तो सिक्स हो ही जानी है अब कॉमन ले लो तो फाइव की पावर फोर और सिक्स की पावर सिक्स ये सब में कॉमन है की पावर फोर और सिक्स की पावर सिक्स सब में कॉमन है इधर बसता है पूरा सब कुछ कॉमन आ गया ठीक है सो इट्स लाइक फाइव की पावर फोर बायस फाइव का स्क्वायर है ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन एट दैम अप सो ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन क्या होता है बेटा फोर्टी फोर्टी प्लस थर्टी क्या होता है सेवनटी तो सेवनटी अब देखो सिक्स की पावर सेवनटी से कुछ कट भी सकता है ना तो डू वन थिंग इसकी चार चार पावर तो इधर रख दो फाइव बाय सिक्स होल की पावर फोर इधर रख दो और पिछली बार की तरह दो पावर से इधर काटने की कोशिश करो अगर कट रहा हो तो कट रहा है तो सिक्स से टू से थ्री टाइम थर्टी फाइव टाइम बस और तो कुछ नहीं कटेगा थर्टी फाइव बाय सिक्स थ्री जा एटीन और फाइव बाय सिक्स की पावर होल पावर फोर ये यार पीछे भी आंसर चले नेक्स्ट कर दू डिलीट थोड़ा सा कैलकुलेटिव इट इज नॉन दैटेंट अब इजी है टॉपिक है? है है है? आप तो कह रहे थे कर गया? सर क्या होते हैं बोलने वाले बोर्ड की साइड पे जाके देखो न? देखो आप सीख रहे हो अच्छी बात है वो एक अलग बात है लेकिन जब पंद्रह दिन के बाद बोर्ड है तो आपको अभी पहला फोकस बोर्ड पे करना है अभी आप सीख लो बट ऐसा नहीं कि हम बोर्ड के टॉपिक्स छोड़ के और ध्यान दें तो देख लेना अच्छे से बोर्ड की साइड पे देखना दस परसेंट तो नॉन डिफेक्टिवी परसेंट विटी दैट ऑफ से बारह आइटम्स निकाल रहे हैं एन की वैल्यू बारह नो डिफेक्टिव हो जाए क्या क्वेश्चन है सीधा सा एन की वैल्यू बारह एक्स की वैल्यू नो

और वन बाय टेन की पावर हो जाएगी नाइन ट्वेल्व सी नाइन को सॉल्व करना पड़ेगा सो ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन नाइन फैक्टोरियल तो कट जाएगा ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री होता है तो थ्री इंटू टू इंटू वन इधर आ जाओ नाइन का क्यूब सेवन ट्वेंटी नाइन होता है याद होना चाहिए और टेन की टोटल टेन पावर हो जाएगी नौ और एक दस जितनी नहीं नौ और तीन बारह जितनी जितनी एन की वैल्यू उतनी पावर हो जाती है ना ठीक है सॉल्व करें तो थ्री टू जै सिक्स सिक्स टू जै अब देखो टेन इधर भी है इधर भी है तो एक पावर तो इसको दोन तो एक पावर अगर इसको दे दी, तो हो सॉल्व तो होता हुआ दिख नहीं रहा सो so, ट्वेंटी करना पड़ेगा रुको एक मिनट ट्वेंटी टू इंटू सेवन ट्वेंटी दिखाना पड़ेगा टेन की पावर इलेवन नीचे आ जाएगीवन ट्वेंटी so, दिखाओ बस इसी फॉर्म में

जीरो सक्सेस चाहिए उसको है ना नन एस डिफेक्टिव सो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एन सी जीरो तो फाइव सी जीरो नाइन बाय टेन की पावर फाइव इंटू वन बाय टेन की पावर जीरो सो इट्स लाइक फाइव सी जीरो यानी कि फाइव नहीं वन इंटू नाइन की पावर फाइव और टेन की पावर नाइन बाय फाइव नाइन की पावर फाइव हो गया तो है ना वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा नाइन बाय टेन की पावर ऑप्शन सी ठीक है ये वाला क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन द लास्ट वन द प्रॉलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर एक स्टूडेंट स्विमर नहीं है उसकी संभावना वन बाय फाइव है ठीक है अब सक्सेस को स्विमर नहीं होना माने या नहीं माने उसके लिए नीचे पढ़ो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ एक्सीडेंट फोर आर स्विमर्स तो उसको चार स्विमर चाहिए यानी कि ये Q की वैल्यू हो गई पी की नहीं, नहीं हाँ उसको चार स्विमर नहीं चाहिए होते तो वो पी मान लेता फिर सक्सेस में ये मान लेता कि स्विमर नहीं है अभी सक्सेस आपको ये मानना पड़ेगा कि स्विमर है क्योंकि उसने कहा है फोर आर स्विमर तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है ये है ना अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि क्यू की, की संभावना दे दी और मतलब क्यू की वैल्यू दे दी और पी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं हमेशा क्या हुआ कि पी की वैल्यू दे दिया और Q की हम निकाल रहे हैं। इस बार थोड़ा उल्टा करके ठीक है तो क्या करेंगे हमको स्विमर होना डिफाइन करेंगे सक्सेस इज बींग स्विमर बींग अ स्विमर इज सक्सेस एंड फेलियर इज बींग नॉट अ स्विमर बींग नॉट अ स्विमर तो यहां से हमको गिवन है ये

की पावर फोर सो फाइव सी फोर फाइव होता है ठीक है इन टू फोर की पावर फोर ऊपर रह गई फाइव नीचे आ गई तो फोर एक फाइव से फाइव काट देते हैं तो फाइव की पावर फोर इधर रख देते हैं एक फाइव इसको दे देते हैं फाइव से फाइव गया तो फोर बाय फाइव की पावर फोर ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है है क्या देखो ऐसा ऑप्शन में नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये वाला एक्सप्रेशन मैच कर रहा हो फाइव सी फोर फोर बाय फाइव की पावर फोर तो ये वाला एक्सप्रेशन इससे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर मैच करो सही तो डन एक्सरसाइज टाइम बचा है आज तो काफी टाइम बचा है तो क्या करें बताओ कल का डाउट्स बताए लिखा लो पेपर ही नहीं ल चलो इसको तो बंद करें ओके तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कल करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चन मिसलेनियस काफ़ी सारे होने चाहिए, ठीक है तो अब कल मजा आएगा क्योंकि कल सब मिक्स में आएगा